अस्सलामु अलैकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इरादा रखते हैं अपने घर पे एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का और आप इस बात से परेशान हैं कि भाई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लिया तो उसमें तो चूँकि बैटरीज नहीं होती, बैकअप नहीं होता और वो तो लोड शेडिंग के दौरान काम ही नहीं करता, बंद हो जाता है। क्योंकि देखें, ये एक क्रिटिकल डिसीजन होता है हर उस शख्स के लिए जो कि अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का प्रोग्राम बनाता है और वो इस पॉइंट के ऊपर आगे फंस जाता है कि भाई ऑन ग्रिड लगाया तो सस्ता तो पड़ेगा लेकिन चूंकि उसमें बैकअप नहीं है तो जब लाइट चली जाएगी या कुछ ऐसे इलाके जहां पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो लोड शेडिंग के दौरान तो ये पैनल हमारे यूज़लेस हो जाएंगे, इन्वर्टर बंद हो जाएगा। और अगर हाइब्रिड पर जाते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम महंगा पड़ता है और इसके अलावा उसके लिए इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा चाहिए, फिर हर दो तीन साल बाद बैटरीज पे एक नया खर्चा, वो एक अलग से चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा प्रोसीजर लेके आया हूँ जिसमें ये जो डिवाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये टॉमसन में भी आती है और मोरा कंपनी की भी आती है, इसको कहते हैं ATS, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। इसका इस्तेमाल करते हुए आप ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ही अपने सोलर पैनल्स को लोड शेडिंग के दौरान उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उनसे अपना लोड चला सकते हैं, बैकअप जो है वो ले सकते हैं। तो देखें, उसके लिए जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ करें आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, जैसा कि अभी मैं जिस साइट के ऊपर, जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ, हम इधर इंस्टॉल करने जा रहे हैं जी एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड। 10 किलोवाट का इसमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और 12 पैनल्स का हम इसमें कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं जी। आप देख सकते हैं 4 अदर जो सोलर पैनल हैं वो कैनेडियन एन टाइप बाइफिशियल यूज़ करेंगे और बाकी जो 4 हैं वो JA के सोलर पैनल जो पहले से यहाँ पर इनके पास मौजूद थे। तो इस साइट के ऊपर पहले लगा हुआ था जी 1.2 किलोवाट का एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जिसके साथ इन्वरक्स का वेरॉन सीरीज़ का इन्वर्टर था और 4 JA के सोलर पैनल थे। तो इस सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं जी 5 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर, लेकिन मसला यह है कि जब लोड शेडिंग होगी, लाइट चली जाएगी तो इनका ये जो ग्रो वाट का इन्वर्टर है ये चूंकि ग्रिड टाइड है, इसमें बैटरी सो लगती नहीं है, ये ऑफ हो जाएगा और सोलर पैनल से इनको किसी भी किस्म की कोई जो सप्लाई है वो नहीं मिलेगी। लेकिन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जी इनका पुराने वाला जो सोलर इन्वर्टर है 1.2 किलोवाट का और दोनों सोलर इन्वर्टर्स के दरमियान हम लगाएंगे जनाब ये 1 अदद ATS, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। और इसका कमाल ये होगा कि जब तक लाइट रहेगी यानी कि ग्रिड की मौजूदगी के दौरान, इनके 8 के 8 सोलर पैनल जो हैं वो इस ग्रो वाट के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होकर वापस ग्रिड को फीड करते रहेंगे ग्रीन मीटर की मदद से, इनका बिल ज़ीरो रहेगा। उस दौरान इनका जो 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर होगा ये एक UPS के तौर पर काम करेगा, यानी कि वापस से ग्रिड से बिजली लेगा और आगे लोड को चलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी, लोड शेडिंग होगी, चाहे पूरा दिन लोड शेडिंग हो, उस दौरान इनका जो ग्रो वाट वाला इन्वर्टर है ऑन ग्रिड वो हो जाएगा जी कंप्लीट ऑफ, बंद हो गया और ये जो 8 के 8 सोलर पैनल हैं ये बिल्कुल यूज़लेस हो जाएंगे, बिल्कुल ऑफ हो जाएंगे। लेकिन उसी दौरान मिली सेकेंड्स के अंदर ये जो डिवाइस है जनाब ATS, ये क्या करेगी कि उन 8 पैनल्स की स्ट्रिंग में से 4 पैनल जो हैं वो कनेक्ट करवा देगी हमारे पुराने वाले 1.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ। अब ये 8 के 8 क्यों नहीं कनेक्ट कराएगी, 4 क्यों कराएगी, उसकी वजह ये है कि ये जो छोटा इन्वर्टर है इसकी कैपेसिटी 4 पैनल्स की है, 2000 वाट इसकी PV कैपेसिटी है। आप इसकी जगह पे 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5, 6, 7, 8 जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके घर में अगर 15 या 20 या 25-30 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई जब लाइट जाए तो ये जो सप्लाई है ये सोलर पैनल से कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक 3, 4, 5 या 6 या 7 किलोवाट का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ले लें। उसकी जितनी PV कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इस ATS को इस्तेमाल करते हुए जो है ये PV की स्विचिंग करवा सकते हैं। सेम इसी टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ अर्सा पहले भी वीडियो बनाई थी PV स्विचिंग सिस्टम के नाम से, जिसमें मैंने रिलेस और कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हुए ये ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर लाइट जाने की सूरत में ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को स्विच करा के आपको दिखाया था। उसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर रिले ख़राब हो जाए तो उसमें रिस्क था कि चांसेस होते हैं कि इन्वर्टर जो है वो डैमेज हो सकता है, तो इसलिए अब चूंकि ये डिवाइस मार्केट में आ गई है तो सेम वही काम इस डिवाइस की मदद से हम करेंगे और ये काफ़ी सेफ़ भी है। इसको यहाँ पर हमने इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जी सिटी पावर, यानी कि आप इसको सोर्स A कंसिडर कर लें, यानी कि वापड़ा। दूसरी साइड पे इन्होंने जनरेटर लिखा हुआ है लेकिन आप इसको सोलर कंसिडर कर लें। सोर्स A के लिए ये सेंसिंग पॉइंट है और सोर्स B के लिए ये सेंसिंग पॉइंट है। ये जो सबसे नीचे हैं ये इसके कॉमन वाले टर्मिनल हैं, जैसे कि आपको पता है चेंज ओवर के अंदर होता है, ये साइड A है और ये साइड B है। तो हमने करना यूँ है जी कि आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल 12 अदद सोलर पैनल हैं,
हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं साथ साथ आपको इसकी सर्किट डायग्राम भी बना के जो है वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ आए। 12 के 12 सोलर पैनल्स की यानी कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो स्ट्रिंग है वो प्लस और माइनस आके लग जाएगी जनाब। ये जो हमारे ऊपर वाले चार टर्मिनल हैं इनमें राइट साइड वाले दो टर्मिनल्स के ऊपर। अब करना ये है कि फ़र्ज़ करें आप एक छोटा इन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं 3 किलोवाट का, जिसकी पीवी कैपेसिटी है 8 पैनल्स की। तो हमने 8वें पैनल के बाद एक टी जॉइंट लेना है, एक प्लस टर्मिनल लेना है, और ये जो दो तारें बनेगी जनाब, ये जो स्ट्रिंग बनेगी, ये ला के हमने लगानी है जनाब। ये जो इसका सोर्स बी है यानी कि ये दूसरी साइड पे, और ये आपने इस साइड पे नहीं लगानी, ये लगानी है अब इन दो टर्मिनल्स के ऊपर। यानी कि दाएं तरफ वाले दो टर्मिनल हमने यूज़ कर लिए थे ऑन ग्रिड इन्वर्टर की स्ट्रिंग के लिए, और ये जो बाएं वाले दो टर्मिनल हैं ये वाले, ये यूज़ कर रहे हैं हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की स्ट्रिंग के लिए। और बस अब सिंपल ये करना होगा कि ये जो नीचे 4 अदद कॉमन टर्मिनल हैं इसमें से यहाँ से हमने इन नीचे वाले दो टर्मिनल से सप्लाई निकाल के दे देनी है जी ऑन ग्रिड इन्वर्टर को, और बीच में एक डीसी ब्रेकर डाल देना है। और ये जो लेफ्ट साइड वाले दो हैं यहाँ से उन 8 पैनल्स की सप्लाई चली जाएगी जी हमारे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को, बीच में एक डीसी ब्रेकर लग जाएगा। बस इतना सा काम है। और अब इसको सेंस करवाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है कि वापटा का फेज़ और न्यूट्रल ला के हमने ये जो इसकी सोर्स ए वाली ऊपर जो टर्मिनल हैं इसमें ये जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो दो टर्मिनल हैं कॉयल के, यहाँ पर लगा देने हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस वापटा का देना है, और इसी तरह से नीचे वाली जो कॉयल है, ये जो लेफ़्ट साइड पे दो टर्मिनल हैं, यहाँ पर हमने अपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के फेज़ और न्यूट्रल जो है वो कनेक्ट कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसके सोलर पैनल्स की तो अच्छी खासी करंट होती है, तो ये जो आपने चेंज ओवर दिखाया है इसकी करंट रेटिंग क्या है? तो देखें ये 125 एम्पीयर का है, 125/4 यानी कि एक एक टर्मिनल 125 एम्पीयर करंट गुजार सकता है, तो ये सेफ़ है, कोई मसला नहीं है। इसमें 63 एम्पीयर का भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर इस 125 एम्पीयर वाले जो चेंज ओवर है इसको इस्तेमाल करने वाला। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पुराना सिस्टम है जी 1.2 किलोवाट का, और इसके साथ हम यहाँ पर लगा रहे हैं जी ये ग्रो वाट का 10 किलोवाट का इन्वर्टर, और इसके साथ इसकी डीबी लग जाएगी। और ये जो छोटी डीबी है इसके अंदर हम अपने इस जो चेंज ओवर है इसको लगा देंगे, जो कि हमारी स्विचिंग का काम करेगा बिटवीन बोथ स्ट्रिंग्स, ऑन ग्रिड वाले की भी और हाइब्रिड वाले की भी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर खूबसूरत भी लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर इस पुराने वाले 1.2 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ हमने ये एक 5 किलोवाट का ग्रिड टाइट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। इन्वर्टर 10 किलोवाट का है, उसके साथ उसकी डीबी लगी है, और ये वो ऑटोमेटिक चेंज ओवर या ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच टॉमसन का हमने स्विचिंग के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। इसी के अंदर मैं आपको दिखा दूँ तो इसकी सोर्स बी के ऊपर हमने यहाँ पर इस इन्वर्टर की कॉइल की जो सप्लाई है वो यहाँ पर दे दी है, और सोर्स ए के ऊपर जो है वो हमने जो वापटा की सप्लाई है यानी कि ग्रिड की सप्लाई है वो दे दी है। यहाँ पर जो हमने सेंस करवाने के लिए वोल्टेज दिए हैं वो ग्रिड के दिए हैं वापटा के, और वो हम ले के आए हैं जनाब यहाँ से। ये देखें मेन जो 3 फेज़ आ रही है वो यहाँ पर आ रही है इस ब्रेकर के अंदर, तो यहाँ से नीचे एक फेज़ और एक न्यूट्रल से उठा के हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन अभी चूंकि बाहर से हमने सप्लाई ऑन नहीं की तो इस वजह से ये रेड लाइट अभी ऑफ है। जब सप्लाई आ जाएगी तो ये जो रेड लाइट है ये ऑन हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको इसके कनेक्शंस के बारे में बता दूं, तो बाहर से जो हम सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग लेके आए हैं स्ट्रक्चर के ऊपर हमने टोटल 8 अदद सोलर पैनल्स को लगाया है। 4 पैनल आगे लगाए हैं और 4 पैनल पीछे लगाए हैं। वो जो पीछे वाले पैनल हैं वो जे ए के सिंपल मोनोपार्क पैनल हैं जो कि पहले से इनके पास मौजूद थे, जो इधर L3 स्टैंड्स के ऊपर लगे हुए थे जो हमने खोल के जो है वो पीछे शिफ्ट कर दिए हैं, और फ्रंट के ऊपर हमने कैनेडियन बायफिशियल एन टाइप जो सोलर पैनल हैं वो लगा दिए हैं। अब ये 8 के 8 जो सोलर पैनल्स हैं इनकी हमने बना ली एक स्ट्रिंग, और ये जो फ्रंट पे 4 पैनल हैं इनकी हमने बना दी दूसरी स्ट्रिंग, और वो जो चौथे नंबर वाला पैनल है यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर वाला जो पैनल है उसके बाद से हमने ले लिया जनाब एक टी जॉइंट प्लस टर्मिनल। अब हमारे पास टोटल यहाँ पर होंगी जी 3 अदद तारें, एक 8 पैनल वाली टोटल स्ट्रिंग की पॉजिटिव वायर, एक 4 पैनल्स की पॉजिटिव वायर, और दूसरी टोटल नेगेटिव जो कि इस पैनल से यहाँ से नीचे जा रही है, और ये तीनों वायर्स अब यहाँ से आके जो है वो निकल रही हैं, यहाँ से हमने अंदर कर ली। इनमें जो 8 टर्मिनल वाली स्ट्रिंग थी वो हमने लगा दी जनाब सोर्स ए वाली साइड के ऊपर, ये देखें सोर्स ए यहाँ पर लगा ली, और जो 4 टर्मिनल वाली सप्लाई थी वो हमने लगा ली जी सोर्स बी वाली साइड पे, ये देखें सोर्स बी लिखा हुआ है, लेकिन ये लगानी आपने अपोजिट है,
एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं लगानी। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हो और आपके 8 के 8 सोलर पैनल्स पूरे आपने उसके साथ शिफ्ट करने हो, अब यहाँ पर तो इन्वर्टर ही छोटा था इसलिए हमने 4 पैनल माइनस कर दिए। अगर आपका इन्वर्टर 3 किलोवाट या उससे अबव है तो आप पूरी स्ट्रिंग भी जो है वो लगा सकते हैं। इस मकसद के लिए फिर आपको ये 4 पोल वाला ATS नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए आप 2 पोल वाला जो है, ये जो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 8 वाली सप्लाई इधर लग गई, 2 वाली इधर लग गई, और इसी तरह से जो हमने अब आउट करनी है वो आउट करनी है जी नीचे जो कॉमन वाले टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, वो इस तरीके से कि ये 8 वाली स्ट्रिंग के एग्जैक्ट नीचे जो 2 टर्मिनल हैं, यहाँ से हम तार निकाल के ले गए जनाब ऑन ग्रिड इन्वर्टर के DC ब्रेकर में, और ये जो 4 वाली स्ट्रिंग थी इसके एग्जैक्ट नीचे जो 2 टर्मिनल हैं वहाँ से हमने सप्लाई आउट करके निकाल ली जनाब, ये जो हमारा छोटा इन्वर्टर है इसके DC ब्रेकर, सोलर वाले DC ब्रेकर। आपको नज़र आ रहा होगा 2 अदद इंडिकेशन लाइट्स हैं, एक रेड कलर में और दूसरी ग्रीन कलर में। रेड कलर वाली जो है ये सोर्स ए की है, सोर्स ए से मुराद हमारी वापटा की सप्लाई यानी कि ग्रिड की सप्लाई, और सोर्स बी से मुराद हमारे इस ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर की सप्लाई, और इस वक्त ये दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों की लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, और हमारा ये जो ATS है ये इस वक्त ऑटो मोड के ऊपर है। ये देखें, ये इसके ऊपर 2 बटन हैं, एक मैनुअल और दूसरा ऑटो, तो इस वक्त मैंने इसको ऑटो के ऊपर रखा हुआ है, आप इसको मैनुअली भी किसी एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करवा। अच्छा देखें, ये जो सिलेक्टर स्विच है इसकी पोजीशन अभी सोर्स ए के ऊपर है, सोर्स है मैंने बताया कि ग्रिड यानी कि हमारे 8 पैनल्स वाली सप्लाई अभी इस इन्वर्टर को चला रही है, और इसकी जो लाइट है वो भी आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रही है। सोर्स बी के ऊपर अभी ये नहीं है, इसी वजह से आपको हमारे इस छोटे इन्वर्टर के ऊपर आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई सोलर का निशान, कोई सिंबल नज़र नहीं आ रहा। ये इन्वर्टर सिंपल एक इस वक्त UPS बना हुआ है जो कि ग्रिड से सप्लाई लेके आगे लोड को। अच्छा देखें, यहाँ पर इसकी जो वापटा का कंट्रोल है वो चूँकि आ रहा है जी इस DB के अंदर से, यानी कि ये जो ब्रेकर लगा हुआ है इसको अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो इस सोलर इन्वर्टर में ग्रिड की सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, और साथ ही ये लाइट भी ऑफ हो जाएगी, और आपने इस सिलेक्टर स्विच के ऊपर जो है वो नज़र रखनी है कि ये काम किस तरह से करता है, वर्किंग कैसे होती है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हम वापटा के ब्रेकर को बंद करते हैं, और उसके साथ ही आपने देखा कि हमारी ये जो सोर्स ए की लाइट थी, ग्रिड की लाइट थी, ये ऑफ हो गई है, सिलेक्टर स्विच पोजिशन बी के ऊपर आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर का निशान आना शुरू हो गया है, और साथ ही इसने सोलर को क्रैक कर लिया, और हमारा ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर था ग्रो वाट वाला वो अब कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है, क्योंकि इसको अब जो ग्रिड की सप्लाई है वो मिलनी बंद हो गई है। यानी कि ये सारा जो कमाल है, ये सारा जो जादू है वो दिखाया जनाब इस ATS ने, कि सोर्स ए यानी कि वापटा के ऑफ होने की सूरत में इसने हमारी जो मेन स्ट्रिंग थी उसको ऑफ कर दिया, और साथ ही हमारे पैनल्स को उठा के सोर्स बी के ऊपर यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट कर दिया। और जब लाइट आएगी उस वक्त क्या होगा, अभी तो देखें मैन्युअली मैं ब्रेकर को ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी लोड शेडिंग तो नहीं हो रही, तो मैन्युअली मैं वापटा को ऑन ऑफ कर रहा हूँ। जब ये वापटा दोबारा आएगी यानी कि ग्रिड दोबारा आएगी, तो उस वक्त आपने इसका बिहेवियर देखना है, और साथ में ये जो सोलर इन्वर्टर बना हुआ है इसका बिहेवियर भी देखना है, और वो जो इन्वर्टर है उसका बिहेवियर भी देखना है। तो ये देखें, जैसे ही हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो साथ ही ये इंडिकेशन लाइट ऑन होती है, सिलेक्टर स्विच वापस पोजीशन ए के ऊपर आ जाता है, और हमारा वो जो इन्वर्टर है वो भी देखें, अब उसको सोलर मिलना शुरू हो गया है, वो ऑन हो रहा है, और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सोलर का निशान अब उसी तरह से गायब हो चुका है, ये दोबारा से अब सिंपल UPS बन गया है, और वो जो इन्वर्टर है वो अब उसका तकरीबन 60 सेकंड का टाइम होता है, उसके बाद वो दोबारा से अपना जो नॉर्मल जो उसका बिहेवियर है वो स्टार्ट हो। प्यारे दोस्तों, ये जो पूरी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है इस ATS की, कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच काम किस तरह से करता है, इसकी पूरी सर्किट डायग्राम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और जब तक सर्किट डायग्राम सामने ना हो तो पूरी बात समझ नहीं आती। तो अगर आप खुद से ये, अगर आप इंस्टॉलर हैं या अगर आपके घर पर सोलर सिस्टम लगा है और आप इसको खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके बैक साइड पर जो पूरी सर्किट डायग्राम मैंने समझें कि ये बना के और ये तरीका समझे बनाया है, उसके सर्किट डायग्राम मैं आपको शो कर देता हूं, ताकि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ आ सके। मैं उम्मीद करता हूं जनाब कि आपको आज की ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर और सोलर सिस्टम की मौजूदगी में लोड शेडिंग के दौरान अपने सोलर पैनल से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, उससे अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, तो कैसे आप एक छोटा 1, 2, 3, 4, 5 या 6 किलोवाट, ये जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस कैपेसिटी का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हुए लोड शेडिंग के दौरान ATS को यूज़ करते हुए ये तमाम काम सर अंजाम दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। अगर आप आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से या फिर सोलर सिस्टम के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।